हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज ये जितने भी प्लांट्स हम लोग देख रहे हैं, कुछ छोटे गमलों में, कुछ बड़े गमलों में, ये सारे सिंगोनियम हैं। और सिंगोनियम के कुछ टाइप्स दिखाऊंगी। स्टे टिल द एंड, मैं इनको दिखाऊंगी कि मैंने इनको कैसे ग्रो किया है, कैसे इनको प्रोपोगेट किया है, बहुत सिंपल तरीके से। और छोटा सा भी पीस मिल जाती है इसकी टहनी की, उससे आप बहुत ब्यूटीफुली एक प्लांट ग्रो कर सकते हैं। एक्चुअली में एरोहेड वाइन है, तो एक वैरायटी ये है, कुछ फर्क होगा थोड़ा बहुत। और ये भी सिमिलर है, इसी के जैसी है। इसका कलर फर्क है, ये नियॉन कलर की है, तो नियॉन सिंगोनियम कह देते हैं इसको। नाम इसका एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है। ये पिंक सिंगोनियम है। पिंक सिंगोनियम की लीव देखिए कितनी पिंक होती है। ये भी एक अलग टाइप का है। ये देखिए इसका कलर थोड़ा फर्क है, इसकी वेन्स होती हैं प्रोमिनेंट, ये हल्का फर्क रंग का होता है। और एक दिखाती हूँ, ये लीफ देखिए इसकी शेप फर्क होती है, ये पतली और लंबी होती है, बहुत पतली और लंबी। ये छोटे से छोटे कंटेनर में ग्रो कर जाते हैं ये, और बड़े कंटेनर में भी लग जाते हैं, मगर छोटे से छोटे में मैं दिखाती हूँ कितने छोटे में मैंने लगाया हुआ है, बहुत ही छोटे कंटेनर में। ये देखिए ये एक बहुत ही छोटे कंटेनर में ही लगा हुआ है, ये वाला। ये देखिए इतने सारे में ये प्लांट लेके आई हूँ दिखाने के लिए कि ये पानी में भी ग्रो करते हैं। ये देखिए ये सब पानी में ग्रो कर रहे हैं ये भी, और ये बहुत दिनों से है, कई महीनों से है। ये देखिए ये पीछे वाला है, ये सारे सिंगोनियम्स ही हैं। ये तो उस दिन टूट गया था, तो मैंने ऐसे ही पानी में डाल दिया इसको। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपका टहनी मिल जाती है कहीं से और आप प्रिपेयर्ड नहीं है, तो इसको हफ्ता दो हफ्ते आप आराम से पानी में भी रख सकते हैं। अब देखिए ये प्लांट मैं लेके आई हूँ, और इसके लिए मैं बड़ा गमला भी ला सकती थी, मगर देखिए मैं कितना साइज का गमला लाई हूँ, बहुत छोटा पॉट है ये। क्योंकि अगर सिंगोनियम को बड़े पॉट में लगा देते हैं तो इसका पानी का मैनेजमेंट ठीक नहीं रह पाता। और किसी भी प्लांट के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तो सॉयल और एक पानी। अगर वाटर मैनेजमेंट आ जाता है, सॉयल अच्छी है, तो ये प्लांट कभी नहीं मरता। और एक और चीज़ मैं दिखाऊंगी आपको कि इतनी सी टहनी अगर आपको मिल जाए, ये देखिए इतनी जरा सी टहनी, तो ये एक प्लांट बन जाएगा। ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये ऊपर से मेरा टूट गया था, तो मैंने कहा इसको मैं दिखाती हूँ। मैं कई बार ऐसे कर चुकी हूँ। और ये कैसे कंटेनर में लगाऊंगी, इसमें लगाऊंगी, बहुत छोटे कंटेनर में। तो आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये मैंने बहुत अच्छी ड्रेन होल वाला कंटेनर लिया है। इसमें मैंने ठीकरी लगाने के जगह मैंने इसमें ये लगा दिया है कपड़ा, ये ड्रेनिंग भी ठीक करेगा और साथ में इसमें जगह भी कम यूज होगी। और पॉटिंग सॉइल देखिए ये है, मैंने दो कोयले के पीस थे, दो तीन, वो वेस्ट नहीं करती हूँ, वो हमेशा नीचे डाल देते हैं, ये अच्छा होता है, वो चाकोल है। अब इसमें पॉटिंग सॉइल में मैंने लिया है 1/4 सैंड, 1/4 कोकोपीट, 1/4 गार्डन सॉइल और 1/4 कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट में आप ले सकते हैं काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट, मैंने काउडंग मैन्योर लिया है। और साथ में जो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये परलाइट है। परलाइट लाइट करने के लिए और एरेशन के लिए हेल्प करता है। साथ में नीम खली और बोन मील है और फंगिसाइड डाला है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं किया है मैंने, खाली सिंपल पॉटिंग सॉइल लिया है। इसको एक बार टैप करेंगे, टैप करने से जितना भी एयर पॉकेट होंगे अंदर से वो निकल जाएंगे, और अब ये पॉटिंग के लिए तैयार है। अच्छा, इसमें देखिए मैं इसमें भी दिखाना चाहती हूँ कि ये मैंने एक छोटा सा पीस ये वाला लिया था, छोटा सा टूटा पीस था ये वाला, ये जो दिख रहा है, मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। आपको पॉटिंग करते समय वॉश करने की ज़रूरत एकदम भी नहीं है। ये वाला जो पीस है ना, ये ऐसे ही था, और ये वाला छोटा वाला, इसी से मैंने ये प्लांट प्रोपोगेट किया है। इसमें टाइम लगा है कुछ, और इसको भी मैं टाइम लैप्स के साथ दिखा दूंगी। अब बस इसको
अब इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि इसमें एयर पॉकेट्स ना रहे। ये जो नीचे वाली एक लीफ है इसको निकाल देती हूँ क्योंकि अगर इसमें रॉटिंग हो जाएगी नहीं तो, मिट्टी के साथ पानी के साथ लगा रहेगा तो फंगल अटैक का डर रहता है। बस देखिए ये कितना ब्यूटीफुल एक गमला तैयार हो गया है। अब ये इसकी पॉटिंग हो गई है, आज ही लगाया है, इसको अच्छे से पानी दे देंगे और इसको आज शेड में रखेंगे। इतना छोटा ये है, ये ऐसे करके ग्रो करेगा, इसकी रूट्स नीचे जा रही हैं और कंटेनर छोटा। वाटर मैनेजमेंट में जो मैंने कहा है उसके लिए आपको छोटा ही लेना पड़ेगा, नहीं तो ये ओवर वाटरिंग से ही मर जाएगा। यही वाला पानी डाल देती हूँ। ये मैं कुछ टाइम लैप्स के साथ दिखाऊंगी। और ये देखिए ये तो इसकी पॉटिंग हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो सिंगोनियम का कैसे इसको कितना बड़ा पॉट लें, कैसे इसको लगाएं, ग्रो करें, ये अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।